वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की एक नई रेसिपी। होप कि आपको पसंद आएगी। इसे आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग में चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और कम तेल में बनाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो और मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज के ब्रेकफास्ट की रेसिपी। रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हरे धनिए को पानी में डिप करके रख दिया है, 2 से 3 बार धो करके। आपने अक्सर देखा होगा मैं अपनी रेसिपीज में इसी तरीके से हरे धनिए को पानी में डिप करके रखती हूँ, क्योंकि जब भी यूज करना हो उससे 1 घंटा पहले इसे धो करके पानी में डिप करके रख देती हूँ। इससे क्या है, हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। सेम ऐसे ही हरे मटर हैं, इनको भी मैं 1/2 घंटा पहले ही पानी में डिप करके रख देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर सब्जियों में मैंने ले लिया है हरा धनिया, हरा प्याज का 1 स्टेम, शिमला मिर्च का टुकड़ा, गाजर का टुकड़ा, और ये अदरक और हरी मिर्च, 1 टमाटर, 1 नींबू और 1 छोटा टुकड़ा पनीर का गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं इन सब्जियों को कट कर लेती हूँ। इस तरीके से ये जो सब्जियां हैं वो कट के तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने ले ली है सूजी 1 कटोरी सेमोलिना, और यहाँ पैन ले लिया है, और पैन में अब मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो 3 कटोरी सेम जितनी कटोरी सूजी ली है तो वही वाली कटोरी जो है वो 3 कटोरी पानी ली है। फ्लेम ऑन कर दी है और पानी उबलना शुरू हो गया है। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाए तो मैंने यहाँ पर मटर डाल दिए हैं, साथ में ये जो कटी हुई सब्जियां थी वो डाल दी हैं। इसमें से हरा धनिया जो है उसको निकाल के अलग कर दिया है, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। तो नमक उतना ऐड कर लेना है जितना हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून नमक ले रही हूँ। और अब इन सब्जियों को तब तक पकाना है जब तक कि ये उबल ना जाए, अच्छे से पक ना जाए मटर। तो ये आपके कम से कम 3 मिनट में पक जाएंगे, मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है। अभी आप देख सकते हैं जो मटर हैं वो पक चुके हैं और गाजर सब्जियां भी पक चुकी हैं। तो अभी मैं इन मटर को चेक कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये बिल्कुल गल चुके हैं और पक गए हैं। अब इसमें मैंने हल्दी डाल दी है 1/2 टीस्पून, और साथ में धीरे धीरे हिलाते हुए इसमें सूजी ऐड कर दी है, और अब सूजी को कंटिन्यूसली हिलाते हुए मिक्स करना है। और धीरे धीरे आप देखेंगे मिक्स करते हुए इसकी जो कंसिस्टेंसी है अपने आप धीरे धीरे थिक होना शुरू हो जाएगी। तो हमें तब तक इसे हिलाते रहना है जब तक कि ये थिक ना हो। तो ये कम से कम आपकी 1 से 2 मिनट में थिक हो जाएगी। फ्लेम को मीडियम ही रखना है।
अभी आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा गुनगुना ही रखना है। जब हल्का सा ये गुनगुना हो जाए तब मैंने यहाँ पर ये मैदा है ये ले लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर का 1 टेबल स्पून। और अब इस पर मैंने ये मिक्सचर जो बनाया है डो वो मैंने रख दिया है। और इसे हमें डो गूंथना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गूंथेंगे तो इसकी जो सब्जियां हैं वो फूट जाती हैं, जैसे मटर हैं वो साबुत नहीं रहेंगे तो वो पिस जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे गूंथूंगी नहीं, बस हल्के हल्के हाथों से इसे रोल करते जाना है और अपने आप ये बहुत ही नाइसली तरीके से रोल होता जाएगा। तो बस इसे इसी तरीके से हल्के हल्के से रोल करते जाना है। और शेप अगर आपको गोल पसंद हो तो आप गोल, राउंड शेप पसंद हो, जैसी आपको पसंद हो शेप उस हिसाब से आप अपनी रेसिपीज़ के लिए शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो इस तरीके से इसकी शेप दे रही हूँ। अब इसे छोटे छोटे कट लगाते हुए काटना है। तो इस तरीके से ये सारे कट के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इनको जो है वो फ्राई करूंगी। तो इसे शैलो फ्राई ही करना है, तो इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। तो इस रेसिपी के लिए ऑयल मैंने बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं इसमें ऑयल कम से कम ही यूज़ करूँगी, तो यहाँ सिर्फ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब इस तवा जो है वो गर्म हो चुका है, ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने राई डाल दी है 1 टेबल स्पून, कड़ी के पत्ते डाल दिए हैं हींग चुटकी भर, और जब ये चटक जाए तो इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया अच्छी क्वांटिटी में ले लेना है, तो ये मैंने ज़्यादा ही हरा धनिया ले लिया था तो अब इसे डाल दिया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने ये शेप बनाए हुए हैं तो इन शेप को जो है वो इस टुकड़ों को इसमें डाल दिया है और अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी जो फ्लेम है उसे मैंने लो पर ही रखा हुआ है और अब ये डाल दिया है चाट मसाला का 1 टेबल स्पून, साथ में इसमें नींबू है। नींबू अगर आप ज़्यादा खट्टा नहीं खाना पसंद करते हैं तो ना ऐड करें, लेकिन अगर खट्टा पसंद करते हैं तो आधा नींबू ले सकते हैं, या ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो 1 नींबू। तो मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस ले लिया है और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसे लो मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक और इसी तरीके से भूनते हुए पकाऊंगी। तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिलीशियस रेसिपी जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं और तैयार ही हो चुकी है टोटली। अब बस इसे गार्निशिंग करना रह गया है। तो अब मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से प्लेट में सर्व कर लिया है और अब आप इसे गार्निशिंग के लिए जैसे भी आप नारियल के जो चूरा होता है उससे भी गार्निशिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पनीर के टुकड़े हैं इनके अंदर चाट मसाला डाल दिया है और चाट मसाले से इस तरीके से गार्निशिंग कर रही हूँ। और आप किसी के सामने भी इस तरीके की रेसिपी रखेंगे तो बताइए कौन है जो अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। तो इतनी टेस्टी रेसिपी है ये, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए। जो बच्चे आपके मैगी या बार बार बोलते हैं पास्ता मैगी, उन बच्चों को आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर दीजिए। आई होप कि उनको ज़रूर पसंद आएगी और आप भी इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या इवनिंग में चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आई है ये रेसिपी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस अच्छी लगें तो शेयर एंड लाइक कर दें।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।